हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, आपने सर्च करके आपको पता चल गया होगा कि हमारे किस वीडियो के ऊपर रिव्यू है। जेएलए यूनिवर्सिटी मथुरा कैंपस के ऊपर हम रिव्यू करने वाले हैं। जेएलए यूनिवर्सिटी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। मथुरा आपका श्री कृष्ण भगवान की नगरी कहा गया है और राधे कृष्ण राधे कृष्ण, और ये कैंपस आपका मथुरा में है। कैंपस आपका जेएलए यूनिवर्सिटी, जिसे मैंने बात किया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी बात करूं स्टार्टिंग का, 2010 में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई है मथुरा शहर से। जेएलए यूनिवर्सिटी आपका अगर बात करें इसकी एक्रीडेशन का, नैक ए प्लस एक्रीडेशन वाली यूनिवर्सिटी है। साथ साथ अगर बात करूं तो इसकी एनआरएफ रैंकिंग में इसकी इंजीनियरिंग कोर्स और फार्मेसी कोर्स एनआरएफ रैंकिंग 2022 में रैंकिंग में आया हुआ है। अगर बात करें फार्मेसी का, तो फार्मेसी का रैंकिंग आपका 69 रैंक है एनआरएफ 2022 में। 2022 में आपका इंजीनियरिंग रैंकिंग है 186 एनआरएफ का। तो जैसे मैंने बात किया कि नैक ए प्लस है, साथ साथ ये आपका एआईसीटी अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड और भी सारे बहुत सारी पीसीआई अप्रूव्ड कैंपस है आपका ये यूनिवर्सिटी कैंपस। बात करें कोर्सेज का, तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। कोर्सेज से बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, डॉक्टरल प्रोग्राम भी ऑफर होते हैं कैंपस के पास, यानी कि बीटेक भी है, बीबीए भी है, बीसीए भी है, बीएससी एजी भी है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कैंपस के पास है। वहीं अगर पीजी में बात करूं तो एमटेक भी है, एमसीए भी, एलएलएम भी, और आपका एमबीए कोर्स भी ऑफर होता है। उसके बाद बात करूं तो पीएचडी कोर्स भी यहां पर ऑफर होते हैं। तो मेनली हमारे इस वीडियो में कवर रहेगा बीटेक के ऊपर कि बीटेक का कैसे एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट, और क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा एडमिशन के लिए या नहीं रहेगा। तो बात करें बीटेक का, तो बीटेक के यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस ऑफर होते हैं। ब्रांचेस की बात करूं तो पहला ब्रांच आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो बहुत ही डिमांडेड आज के टाइम में है, हर स्टूडेंट को चाहिए, कैसे भी चाहिए ब्रांच चाहिए, लेकिन बच्चा को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ऊपर ही ज्यादा फोकस है इस टाइम। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी है, उसके बाद आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपका इसके स्पेशलाइजेशन वगैरह भी है। उसके बाद अगर बात करूं बीटेक में मेकाट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस बीटेक में ऑफर होते हैं यहाँ पर। अगर बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बीटेक का, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच को छोड़कर जितने ये ब्रांचेस है, अगर आपको 50% 12th में पीसीएम अगर है, तो आप इसे खुद के एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस देख सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, तो 60% मोर देन है आपका 12th में पीसीएम में, तो आप यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉलेज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा कि प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। तो जहां तक मैंने प्लेसमेंट वगैरह सर्च आउट किया और जो यहाँ के स्टूडेंट पढ़ के निकल चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं वहां पर उनसे भी मेरी कांटेक्ट हुई, तो जहां तक बीटेक कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट मैंने जो देखा है, 4.5 to 5 lakh रुपीज आपका एवरेज पैकेज है आपका इसका। जेएलए यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज आपको हर जगह दिख जाएगा, हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं करते। बाकी मिनिमम पैकेज की बात करूं तो मिनिमम पैकेज बीटेक कंप्यूटर साइंस का 3 lakh रुपीज स्टार्टिंग मिनिमम पैकेज आपको यहाँ देखने को मिलता है। और जो अदर ब्रांचेस का वैसा मुझे प्लेसमेंट वगैरह समझ में नहीं आया, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया। बाकी ठीक ठाक है, रैंकिंग में है यूनिवर्सिटी, तो एक प्लस पॉइंट आपका यहाँ पर आता है। वही बात करें फैकल्टी का ओवरव्यू, इनके रिव्यू जो यहाँ फैकल्टी पढ़ाते हैं, 30 to 35% जो फैकल्टी है आपके वो पीएचडी होल्डर और अच्छे प्रोफाइल पर बिलोंग करते हैं, जो उनको अच्छे हाई प्रोफाइल स्किल्स आपका एक्सपीरियंस होल्डर फैकल्टी है। और आपको जो और अदर जो फैकल्टी है वो भी ठीक ठाक है, बट आपको एक अच्छा फैकल्टी का भी आपको रिव्यू देखने को मिलता है। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के भी निकल चुके, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी आपका 2010 में स्टार्ट हुआ, तो काफी बैच यहाँ से पढ़ के निकल चुका है कम समय में। जो मथुरा के लोकेशन पे है तो ग्रो करता ही हुआ ही यूनिवर्सिटी है और ठीक ठाक है। और मेनली जो बच्चे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे पढ़ने वाले, लगभग हर स्टेट के बच्चे हैं, प्लस आउट ऑफ इंडिया के बच्चे यहाँ पर दिख जाते हैं, खासकर नेपाल भूटान कंट्री के भी बच्चे यहाँ पर कैंपस के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर मिला देखा जाए तो ठीक ठाक है यूनिवर्सिटी प्राइवेट में। अब मेन पॉइंट आता है कि भैया एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। एडमिशन भाई देखो, अगर आपका अच्छे परसेंटेज नहीं आया है, ठीक है, अगर आपका अच्छा परसेंटेज, आप इस परसेंटेज जो
है आसपास में, तो आप इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। अगर आपका जेई मेंस वगैरह में अच्छा रैंक आ गया है और ट्वेल्थ में अच्छी परसेंटेज है, तो मैं तो बोलूंगा कि आप एक अच्छे और से ऊपर लेवल का कॉलेज के लिए अप्लीकेशन अप्लाई करना लास्ट ऑप्शन तो है ही, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कोई लिमिटेड सीट नहीं होता है, इनटेक रहता है, ठीक है, कोई कितना भी कह ले यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी में इनटेक का कोई कमी नहीं रहता है। कितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में, खासकर कंप्यूटर साइंस को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चों का बीच में, तो देखो इसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, जिसको इसके ऊपर जानना होगा मुझे पर्सनली पिंग कर लेना, मैं अपना लिंक दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पर, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी इस यूनिवर्सिटी का ठीक ठाक है, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हो रैंकिंग वाइज तो देख सकते हो। थोड़ा सा लोकेशन मार खाता है, लोकेशन आपका मथुरा में है, थोड़ा सा भक्तिमय शहर है, खराब शहर नहीं है, भगवान कृष्ण की नगरी है और काफी अच्छे लोकेशन पर भी है, और लोकेशन जो आपका दिल्ली से जब चलते हो मथुरा रोड में ही कैंपस मिल जाता है आपको मथुरा शहर में। और भी जो कुछ छूट रहा होगा इस कॉलेज के रिगार्डिंग, इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, आप मेरे से पर्सनली जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब, बहन लोग आपको सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप तक और भी यूनिवर्सिटी और भी कॉलेज का सच्चा रिव्यू मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। और आपका सपोर्ट के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आप तक सच्चा वाला वीडियो का रिव्यू ला सकूं। और मिलते हैं अगले वीडियो किसी कॉलेज के ऊपर रिव्यू के ऊपर, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। उम्मीद आया करूंगा वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।